आगामी पांच दिवस सुधी राज्य में भारी वरसाद की आगाही। आज उत्तर गुजरात में वरसाद है। उत्तर और पश्चिम दरियाकांठा मछीमार दरियो न खेड़वानी चेतावनी। सारा वरसाद गुजरात जलाशय में पानी की आवक थी। उत्तर गुजरात 15 डेम में 79.32% पानी जत्थो है। मध्य गुजरात में 17 डेम में 74% पानी जत्थो है। दक्षिण गुजरात में 13 डेम में 77% पानी जत्थो। भरूच में नर्मदा नदी फरी भयजनक सपाटी पटावी है। नदी की जल सपाटी वधीने 27 फूट पर पहुंची है। छेल्ला 20 कलाक में जलस्तर में 3 फूट वधारो थयो छे। 3 तालुका कांठाना गाम में अलर्ट जाहिर करायो छे। दरोड डेम में 76,000 क्यूसेक पानी छोड़ाता अमदावाद रिवरफ्रंट वॉकवे बंद करायो छे। नीचाणवाला विस्तारों ने सावचेत रहेवानी अपील। अरवली मेघराज तालुका में आवेलो वैडी डेम ओवरफ्लो थयो छे। वडथली थी वागपुर तरफ संपर्क कपायो छे। 15 थी वधु गामना लोकोनो रस्तो बंद। बनासकांठा दातीवाड़ा डेमना दरवाजा खोली छोड़ायुं पानी। दातीवाड़ा डेम में 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ायुं छे। डेम में 21,000 क्यूसेक पानी की आवक थी। 5 वर्ष बाद दातीवाड़ा डेम फरी छलोछल। पाटणना सरस्वती बेरेज में पानी छोड़ायुं छे। आसपासना 23 गामों ने अलर्ट कराया छे। उपरवास थी पानी की आवक थता बेरेजना दरवाजा खोली पानी छोड़ायुं छे। वडोदरा में महिसागर नदी 2 कांठे वहती थी। वडोदरा जिला 30 गाम ने अलर्ट कराया है। सावली 15, पादरा 10, वडोदरा 5 गाम ने अलर्ट कराया है। बनासकांठा की बालाराम नदी में नवा नीरद आया है। उपरवास में भारी वरसाद पगले नदी में नवा नीरद की आवक थी। बालाराम नदी में पानी आता लोग पानी जोवा माटे उमटिया था। पालनपुर में मानसरोवर ब्रिज चोड़े पानी भराया है। पानी भराता वाहन चालकों ने भारी हालाकी। बनासकांठा वरसाती ठेर ठेर पानी भराया है। वहली सवार थी मेघमहर हाल में बनासकांठा में जोवा मळ्यो छे। पालनपुर अमदावाद हाईवे पर पानी पानी थयुं। गठामण पाटिया नजीक थी धीजणसा में पानी भराया। नाना वाहनों ने भारी हालाकी सामनो करवो पड्यो। बनासकांठा दाता सामूहिक आरोग्य केन्द्र में पानी भराया था। पानी भराता दर्दियों ने भारे हालाकी। पानी निकाल की कोई व्यवस्था न होती लोगों ने भारे हालाकी। મહેસાણાના સીલિંક રોડ પર પાણી ભરાયા। વરસાદ બંધ છતાં જ પાણી ઉસરે નથી। પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાથી લોકો પરેશાન। પાણીના નિકાલવાથી વ્યવસ્થા કરવાની પણ ઉઠી માંગ। ખેડામાં વણાકબોરી વિયરમાંથી મહીસાગર નદીમાં પાણી છોડાયું છે। પાણીની આવક થતાં જ મહીસાગર નદી 2 કાંઠે વહી રહી છે। ગળતેશ્વર મહાદેવથી પસાર થતો ખેડા વડોદરા જિલ્લાને જોડતો પુલ બંધ કરાયો છે। પાટણમાં ધોધમાર વરસાદમાં છીડિયા દરવાજાથી શાક માર્કેટ સુધી પાણી માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ થયો છે। વાહન ચાલકો અને સ્થાનિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો। પાટણના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પાણી થયું। ખાલકસા પીર જવાના માર્ગ પર પાણી ભરાયું છે। કલાકો સુધી પાણી ભરાઈ જતા જ લોકોને મુશ્કેલી।